पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। भूपेश बघेल ने सीजेआई को लिखे पत्र में कहा कि उनके कार्यकाल में के मामलों को उठाकर उसे आपराधिक करार दिया जा रहा है और इनमें उन्हें आने के एक्स सीएम भूपेश बघेल का नाम फंसाने की साजिश की जा रही है। वहीं भूपेश बघेल ने पत्र के माध्यम से सीजेआई को केंद्रीय एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने और छत्तीसगढ़ में हो रहे मामलों पर संज्ञान लेने की बात कही है, जिसके बाद भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत है पत्र लिखना और उनके दिल में चोर है, जहां गड़बड़ी होती है वहीं इस तरह का डर दिखाई देता है। देखिए, कल तक जिसको सीबीआई पे भरोसा नहीं था उस सीबीआई पर बैन लगाए जाते थे, आज वही न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत जाकर वो वहाँ पर चिट्ठी लिख रहे हैं। ये केवल और एक वातावरण बनाने का प्रयास है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, ये है। यदि मन के अंदर में कुछ गलत है इसलिए इस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं, कहीं डर भय है ये कुछ गलत किया 5 वर्षों के अंदर में, इसलिए ही इस तरह की बातें भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। चिट्ठी लिखने की आदत है, वो आदत तो चलती रहेगी। 5 साल जब मुख्यमंत्री थे तो भी मोदी जी को चिट्ठी लिखते रहते थे, तो मुझे लगता है ये केवल एक शौकिया चिट्ठी है और अपने जो दुष्कर्म हुए हैं, जो अपने पाप हैं अपने कार्यकाल के, उसको छुपाने का प्रयास।